इधर गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है, जिसमें दिगंबर कामत ने प्रमोद सावंत सरकार पर गोवा की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। टीवी 9 से खास बातचीत में कामत ने और क्या कहा है, आइए आपको सुना। आक्रोश है, टैक्सी वाले रास्ते पे है, एजिटेशन कर रहे हैं। जिस हम स्वतंत्रता की 60 वर्ष मना रहे हैं, स्वतंत्र सैनिक के बेटे बेटियां रास्ते पे हैं, उनको जॉब नहीं दिया गया अभी तक। पैरा टीचर्स है वो रास्ते पे है। आज एक सेक्शन नहीं है सोसाइटी का जो रास्ते पे नहीं है। म्यूनसिपल वर्कर्स आर ऑन रोड, पर उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 10-10 साल काम किए हुए लोग हैं, उनको आज भी रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है वो रास्ते पे। सो इस सरकार ने सब गरीब लोगों को, सब कर्मचारी लोगों को रास्ते पे ला के छोड़ा है। इसमें इस पार्टी के खिलाफ इनके दिल में गुस्सा है, वो गुस्सा 14 फरवरी को बाहर आएगा और आप देखो क्या होता है। कामत सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस प्रकार से गोवा की राजनीति अभी चल रही है, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने फॉर्मूला जो है तय किया है 2022 में 22 प्लस सीट, कांग्रेस का क्या फॉर्मूला है ये इलेक्शन जीतने के लिए? क्योंकि आप जो है, फॉर्मूला सिंपल है, क्या है वो? गोयचो फुडार, गोयकाराचा हातान। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।